हेलो दोस्तों, आप चाहते हैं कि इस तरीके का आप लिस्टिंग कर सके अमेजोन पे। देखिए दोस्तों, मेरी बुक है, मैंने इसको लिस्टिंग किया है अमेजोन सेलर अकाउंट पे, और इस तरीके से आपका कुछ आ जाएगा किताब आपका, जो जो आप चीज़ बेचना चाहते हैं। देखिए देख लीजिए, आप फ्लिपकार्ट का यहाँ लोगो भी बना है, यहाँ से आप देख सकते हैं कि हमारा फ्लिपकार्ट का लोगो भी बना है, और ये फ्लिपकार्ट पे ही है, अवेलेबल है ये किताब, आराम से आप यहाँ से देख सकते हैं, यहाँ से फ्लिपकार्ट पे अवेलेबल है। और यहाँ पर इसका जो प्राइसिंग है, लिस्टिंग भी आप सेट कर सकते हैं, इसका पूरा डिटेल्स आप सेट कर सकते हैं कि ये सारी चीज़ें आपको कैसे करनी है। यहाँ पर सारी चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ। इसके लिए दोस्तों, मैं आपको सेलर कैसे अकाउंट में क्रिएट करना है, कैसे वहाँ पर ऐड करना है, कैसे लिस्ट करना है कि आपका जो प्रोडक्ट है, आपका जो आइटम है, वो सर्च में आना शुरू हो जाए। यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर आपको जो फ्री लोगो वाला जो ऑप्शन रखना चाहे ये भी रख सकते हैं। यहाँ से देखिए दोस्तों, यहाँ से आराम से ये भी दे रखना चाहे तो ये भी रख सकते हैं, यहाँ रख दीजिए, बिल्कुल आपका जो फ्री डिलीवरी का ऑप्शन भी यहाँ से रख सकते हैं, ये सारी चीज़ें आप रख सकते हैं। और इसको करना कैसे कैसे है, यहाँ पे देखिए दोस्तों, आपका जो बाइक ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पर बाइक का ऑप्शन भी ऑप्शन आ रहा है, इस तरह का भी आ जाएगा, यहाँ ऐड कार्ड का भी ऑप्शन आ जाएगा यहाँ से, और यहाँ से रिप्लेसमेंट रिटर्न का भी ऑप्शन आ जाएगा। देखिए रिटर्न का भी ऑप्शन आ जाएगा, अगर आप चाहें तो रिटर्न का भी ऑप्शन आ जाएगा यहाँ से। ये सब कैसे कर सकते हैं दोस्तों, मैं आपको सारी चीज़ बताऊंगा इस वीडियो के अंदर दोस्तों, और बिना वेट किए चलते हैं दोस्तों अपने क्रोम ब्राउजर पे, अपनी मेरा ओपन है यहाँ पर, ओपन कर लेंगे। और जैसे हम मैंने क्रिएट है यहाँ पर, कैसे अकाउंट यहाँ पर क्रिएट करना बहुत सिंपल है। अगर आप केवल बुक बेचना चाहते हैं, एग्जाम्पल के लिए कोई किताब किसी की भी बेचना चाहे, अपनी खुद की लिखी हो या किसी की अगर भी लिखी हो, अगर आप केवल बुक बेचना चाहते हैं दोस्तों, तो आपको जीएसटी नंबर की कोई भी जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप बुक के अलावा कोई और आइटम बेचना चाहते हैं, शूज या कोई कपड़े या कुछ भी ऐसा, या कोई खाने का आइटम या कुछ भी ऐसा अगर बेचना चाहते हैं, तो यहाँ पेन कार्ड के पिन कार्ड मतलब आपको केवल बुक में ही जरूरत है, और उसके बाद आपका जीएसटी नंबर भी प्लस जरूरत पड़ेगी। तो अगर आप केवल आप बुक बेचना चाहते हैं तो आपको जीएसटी नंबर की जरूरत नहीं है दोस्तों। मैंने केवल बुक बेचना है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे पास ये सारी चीज आ चुकी है, और मैं आपको दिखा देता हूँ कि यहाँ पर लिस्टिंग कैसे की जाती है दोस्तों। यहाँ पर आपको लिस्टिंग करने की, आप जो सामान ऐड करेंगे तो यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर आएंगे क्रोम ब्राउजर पे क्लिक करेंगे दोस्तों, यहाँ पर थ्री डॉट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर आने के बाद दोस्तों, ये जो हमारा थ्री डॉट है, इस पर हम क्लिक करेंगे, और इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों, यहाँ से क्लिक करेंगे, और क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आएंगे। यहाँ पर आने के बाद दोस्तों, आपको सिंपली से यहाँ पर आपको एक यहाँ पर आएंगे, और यहाँ पर आने के बाद दोस्तों आपको डैशबोर्ड जो है आपका इस तरह खुल जाएगा, और यहाँ पे सारी चीज दिखा देगा कि कितना आइटम सेल हुआ, कितना नहीं होगा। उसके लिए दोस्तों हम थोड़ा सा क्रोम ब्राउज़र पे क्लिक करेंगे, डैशबोर्ड को क्लिक करेंगे दोस्तों, हम इसे जिससे लैपटॉप में खुलता है, मैं फोन में आपको बता रहा हूँ, फोन में कर सकते हैं और लैपटॉप में भी कर सकते हैं। थोड़ा सा जूम कर लेते हैं, थोड़ा सा ऐसे यहाँ से जूम कर लेंगे, और जूम करने के बाद दोस्तों हम होम पे जाएंगे। होम पे जाने के बाद दोस्तों, आपको यहाँ पर एक ऑप्शन दिख रहा है बहुत ही अच्छा, यहाँ पर आपको लिस्टिंग का ऑप्शन दिख रहा है दोस्तों, यहाँ पर लिस्टिंग का ऑप्शन देख सकते हैं दोस्तों। यहाँ पर आपको सिंपली से मैं थोड़ा सा दिखा देता हूँ मार्क करके, यहाँ पर आप देखें तो ये लिस्टिंग का ऑप्शन दिख रहा है दोस्तों। सिंपली से इस पर आपका क्लिक करना है, और क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको सिक्योर नंबर पे आपका जो लिस्टिंग है दोस्तों, सिक्योर नंबर देखिए दोस्तों, मेरे आइटम सारे आ चुके हैं। ये आपका जो सिक्योर नंबर पे लिस्टिंग का एड लिस्टिंग पे दोस्तों आपको क्लिक करना है सिंपली, और लिस्टिंग पे जैसे एड न्यू लिस्टिंग पे आप क्लिक करेंगे, यहाँ पर इस तरीके क्लिक करेंगे दोस्तों, आपका जो आइटम है ये सारी चीज़ आपके यहाँ पर आ जाएंगे। एड न्यू लिस्टिंग पे यहाँ पर करने के बाद, यहाँ पर देखिए दोस्तों, ऐड न्यू लिस्टिंग करने के बाद दोस्तों ये सारी चीज़ आ जाएंगे, और थोड़ा सा ऐसा कर लेंगे, और इस तरह अगर आप चौक बनेंगे तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर देखिए दोस्तों लिस्टिंग दिख रहा है। न्यू लिस्टिंग देखने के लिए आपको न्यू लिस्टिंग पर क्लिक करेंगे, और लिस्टिंग पर क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको और एक ऑप्शन आएगा कि आप जो आइटम लिस्टिंग करना चाहते हैं वो सिंगल में करना चाहते हैं या बल्क में करना चाहते हैं। दोस्तों सिंगल में ये होता है कि आप जो आइटम को बेचना चाहते हो, आपको सिंगल आइटम है, एक आइटम है, अगर एक से अधिक है तो आपको बल्क में करना पड़ेगा दोस्तों। में आप बल्क का मतलब एक से अधिक आइटम, तो दो नंबर पर जाना होगा, निकल हमें एक नंबर जाना है क्योंकि सिंगल लिस्टिंग करना है दोस्तों। तो सिंगल लिस्टिंग कर लेगी, एक नंबर पर जाएंगे, और यहाँ पर एड लिस्टिंग पर क्लिक करेंगे दोस्तों, इस तरह का ऑप्शन आ जाएगा। इस तरह का ऑप्शन आने के बाद दोस्तों, आपको पहली कैटेगरी, आपको सारी कैटेगरी दिखा देता हूँ यहाँ पर।
देखिए दोस्तों, ये पहली कैटेगरी हो जाएगी, उसके बाद दूसरी कैटेगरी हो जाएगी, उसके बाद तीसरी कैटेगरी हो जाएगी। और यहाँ पर देखिए दोस्तों, आपका बुक का सिंबल आ रहा है, यहाँ पर आप ये सारी कैटेगरी आ रही है कि आपका जो आइटम है कौन कौन सी कैटेगरी में है, वो सारी चीज आपकी आ रही है। यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये सारी चीज आ रही है कि अभी लिस्टिंग करेंगे तो कैसे करेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों मैं आपको बुक का, मेरे पास बुक है तो मैं बुक ही का बता रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास कोई और आइटम बेचने के लिए नहीं, मैं डेमो के लिए बता रहा हूँ सिर्फ, और मेरे पास और कोई आइटम है नहीं, तो मैं आपका बुक का बता रहा हूँ कि बुक में कैसे करना है। तो दोस्तों यहाँ पर आपको बुक का सिंबल दिख रहा है, यहाँ पर आपको देखिए बुक का सिंबल दिख रहा है, तो आपको सिंपली से बुक पे क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे दोस्तों आप इस तरीके आ जाएगा, यहाँ पर इस तरीके आ जाएगा। यहाँ पर आने के बाद दोस्तों आप जो कैटेगरी है वहाँ पर आप दोस्तों यहाँ पर देखिए दोस्तों, आप थोड़ा साइड में आ जाएंगे और यहाँ पर देखिए दोस्तों आप पब्लिशर का नाम आ रहा है, आपके पब्लिशर आपका कौन होगा। दोस्तों पब्लिशर आपका अगर कोई जान पड़ता है, कोई संपर्क है, तो आप उसका नाम डाल सकते हैं, अगर नहीं तो आप खुद को या जिसको पसंद चाहो तो आप अपना नया खुद का पब्लिशर बना सकते हैं, क्योंकि आप पब्लिशर ही बनाएंगे तभी जाके ये होगा। तो यहाँ पर सिलेक्ट पब्लिशर पर क्लिक करेंगे छापे, और ऐसे क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर लिख के आ रहा है सारी चीजें यहाँ पर कि क्या क्या आपकी चेक करी जाएंगी। दोस्तों यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर पब्लिशर का नाम आप डाल सकते हैं, जो भी आप पब्लिशर नाम डालना चाहें। यहाँ पर एग्जांपल यहाँ पर खाने में आएंगे, यहाँ पर जो भी पब्लिशर डालना चाहें, यहाँ पर उसके बाद चेक नाउ पर इस पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर पब्लिशर हम आपका एग्जांपल के लिए, इसे मेरा नाम है, मैं अपने नाम को डाल देता हूँ या किसी भी एग्जाम्पल के डाल देता हूँ, देख कर लेता हूँ कि वो पब्लिशर है। एग्जाम्पल के लिए मैं डेमो लिख के देता हूँ, क्योंकि मैं डेमो का वीडियो बना रहा हूँ तो बस डेमो पर लिख रहा हूँ, देखता हूँ यहाँ पर है नहीं। यहाँ पर चेक नाउ पर क्लिक करेंगे, देखिए दोस्तों यहाँ डेमो के नाम से यहाँ पर कोई भी नहीं है, तो यहाँ पर हम देखिए दोस्तों यहाँ पर आपका टिक मार्क आ चुका है, यहाँ से देखिए दोस्तों, यहाँ से ये देखिए दोस्तों ये आपका टिक मार्क आ चुका है। यहाँ पर आपको हम क्लिक कर सकते हैं, यहाँ पर ट्रेड न्यू पर क्लिक करेंगे दोस्तों। ट्रेड न्यू पर क्लिक करने के बाद आपको इस तरीके से कुछ थोड़ा स्टेप आएगा, और यहाँ पर दोस्तों आपका देखिए दोस्तों यहाँ पर आपका आ चुका है, यहाँ पर आ चुका है आपका ये देखिए दोस्तों। यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको प्लस पे क्लिक करना है, और प्लस पे क्लिक करने के बाद जो आपका बुक है, बुक का जो पहला कवर होता है उसको अपलोड करना है, उसके बाद सेकेंड कवर का फोटो अपलोड करना है, फिर थर्ड जो होता है आपको साइज है उसका, जो साइज है उस साइज को हिसाब से वो आपको सेट करना है। दोस्तों यहाँ पर प्लस पे क्लिक करेंगे यहाँ पर, और क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पर आपका आ चुका है। यहाँ पर देखिए दोस्तों ये हमारा पहला आ चुका है, दूसरा आ चुका है, तीसरा आ चुका है, तीनों फोटो आपको यहाँ पर अपलोड करने हैं। यहाँ पर इधर अपलोड का ऑप्शन दिख रहा है, तो अपलोड करने करने के लिए उसके बाद आपको लास्ट में यहाँ पर सेव का ऑप्शन दिख रहा है, तो सेव भी करना है। दोस्तों फटाफट हम कंप्लीट हो चुका है, देखिए दोस्तों ये हमारा कंप्लीट हो चुका है, और यहाँ पर सेव का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पर देखिए सेव का ऑप्शन आ रहा है। ये तीनों चीज यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए टिक मार्क यहाँ लग गया है, यहाँ भी टिक मार्क लग गया है, यहाँ भी टिक मार्क लग गया है, ये तीनों हो चुके हैं हमारे। तीन होने के बाद दोस्तों आपको सेव पर क्लिक करना है, और सेव पर क्लिक करने के बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रोसेस में आप ऑटोमेटिक बढ़ जाएंगे। देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं जो हमारा नेक्स्ट प्रोसेस है, यहाँ पर देखिए ये हमारे टिक हो चुका है। अब इसे तीसरे नंबर पाने के लिए उसके बाद दोस्तों यहाँ पर इस तरह आएंगे। आने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको लिस्टिंग मतलब आपका प्राइस वगैरह जो प्राइस वगैरह सेट करना है, यहाँ देखिए दोस्तों आपको प्राइस सेट करना है, प्राइस सेट कर लेंगे। यहाँ पर देखिए और सारी चीज जो और इंफॉर्मेशन जो जानकारी देनी है दोस्तों, उसके लिए हम एडिट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर एडिट पे क्लिक करेंगे दोस्तों, ये सारी चीज ओपन हो जाएगी, यहाँ पर ओपन हो जाएगी। यहाँ पर दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट सवाल आता है कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पे आप जो देखने को आ रहा है कि ये देखिए दोस्तों यहाँ पर आ रहा है कि आपका जो सेलर एसक्यू है ये क्या होता है, सेलर एसक्यू आईडी, ये सबसे बहुत जरूरी है, बहुत लोग फंस जाते हैं। यहाँ पर देखिए लिस्टिंग स्टेटस क्या होना चाहिए, एमआरपी आप जानते हैं, सेलर प्राइस क्या होता है, ई मैंने एंट्री ऑफिस क्या होता है, ये फुल प्लेसमेंट होता है, ये सारी चीज क्या होती है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये सारी चीजें, जो मैं आपको समझा दूंगा कि इसके अंदर के क्या क्या से क्या चीजें हैं। दोस्तों एग्जाम्पल के लिए अगर आप यहाँ पर मैं बुक बेच रहा हूँ, एग्जाम्पल के लिए बुक बेच रहा हूँ, बुक का अगर नाम है, एग्जाम्पल के लिए मेरी बुक का नाम है यंग एज के सिद्धांत, आपको वहाँ पर आप ऐसा आइटम लेना है, मतलब ऐसे वर्ड लेने कि उससे वर्ड से आप जान जाओ, अगर आपका ऑर्डर है तो जान समझ जाओ कि ये ऑर्डर इस नाम से आएगा तो ये हमारा ऑर्डर। एग्जाम्पल के लिए इसे माउस है, एचपी का माउस है, या हमारे बुक या कुछ भी आप ऐसा ले सकते, एग्जाम्पल रेंडम से मैं एग्जाम्पल लेते हैं मेरी यंग एज के सिद्धांत, तो यंग एज के सिद्धांत का ले लेंगे वाई, पहले कैपिटल ले लेंगे वाई, यंग एज के सिद्धांत है वाई ए, क्योंकि पहला अक्षर ले रहे हैं, हम चाहे तो पूरा भी यंग लिख सकते हैं यंग, उसके बाद यस बुक, देखो
वाई का मतलब यंग, ई का मतलब एज, एस का मतलब सिद्धार्थ, बी से मतलब बुक, ये होगा। अब रैंडम नंबर भी अगर कोई डालना चाहे तो डाल सकते हैं, एग्जांपल के डालना आपका जरूरी होता है। यहाँ से थोड़ा सा मैं स्पेस देंगे इस तरीके का, और स्पेस देने के बाद यहाँ पर कोई रैंडम नंबर को भी डाल, एग्जाम्पल जो भी ये डाल लेते हैं, ये डाल लेते हैं। यहाँ पर एंडअप कोई भी नंबर डाल लेते हैं, यहाँ पर ये डाल लेते हैं। और यहाँ पर डालने के बाद दोस्तों यहाँ पर सेकेंड वाला आता है आपको स्टेटस लिस्टिंग। तो यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर सबसे लोग बहुत ज्यादा गलती कर देते हैं यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर एग्जांपल के लिए यहाँ पर लोग क्या गलती करते हैं यहाँ पर दोस्तों, ये देखिए दोस्तों यहाँ पर एक्टिव लिखा है और यहाँ पर इनएक्टिव लिखा है। दोस्तों ये भूल जाते हैं लोग क्योंकि हमें एक्टिव क्लिक करना है कि इनएक्टिव पे। दोस्तों हमेशा आप एक्टिव पे क्लिक करेंगे, एक्टिव अगर अकाउंट होगा तभी तो आपका वहाँ पर फ्लिपकार्ट एप्लीकेशन में शो होगा या फ्लिपकार्ट में नहीं होगा। तो यहाँ पर आपको एक्टिव पे क्लिक करना है। एक्टिव पे क्लिक करने में दोस्तों सेकेंड ऑप्शन आता है बहुत प्यारा कि MRP आपकी किताब की या आपका जो आइटम है उसकी MRP क्या होना चाहिए। तो आप अगर कहीं बाहर से अगर आप जो आइटम खरीद के लाए या खुद के मैन्युफैक्चर हैं आप सारी चीज कैलकुलेशन करके हम MRP ज्यादा से ज्यादा डाल सकते हैं जितना चाहे, तो उसके सिस्टम से डालना कि जितना हमारा आइटम है उसी के हिसाब से आप डाल सकते। एग्जाम्पल की हमारी बुक है और इसकी कॉस्ट बहुत ज्यादा महंगी पड़ती है, इसको मैं समथिंग 800 रुपये डाल देता हूँ 800। और यहाँ पर डालने के बाद दोस्तों लिखा है कि सेलर प्राइस, योर सेलिंग प्राइस, मतलब जो आपकी लिस्टिंग प्राइस है सेलिंग प्राइस क्या होनी चाहिए सेकंड नंबर पर। तो सेकंड पेज पर जो लिस्टिंग प्राइस है कि आप अगर एग्जांपल आप देखते हैं जो आपका बिल बैठता है, बिल बनता है, तो उसमें आप लिखा होता है कि लिस्टिंग प्राइस आज भी एग्जांपल आपके आइटम की 1200 रुपये है, उसमें आप माइनस कितने की 600 रुपये, आप आइटम कितना है वो आपको पड़ता है शायद 300 होगा, लेकिन लिस्टिंग प्राइस 1200-1300 पड़ जाते हैं, बहुत सारा ज़्यादा पड़ता है। आप ऐसे हिसाब से आप लिस्टिंग प्राइस डाल सकते हैं जो आपके लिस्ट में वो रहा हो। एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पर डाल देता हूँ 784 रुपये, सॉरी यहाँ पे इससे ज्यादा डालना कि MRP से ज्यादा थोड़ा सा डालना है, 960 रुपये डाल देता हूँ। एग्जाम्पल मैं डेमो के लिए आपको बता रहा हूँ, फिर आपका जो आइटम है उस आइटम के हिसाब से जो भी वो आप डाल सकते हैं यहाँ पर। उसके बाद लिखा है यहाँ पर मैक्सिमम ऑर्डर क्वांटिटी की, मतलब आपका जो आइटम कस्टमर ऑर्डर करे तो कितना कर सकता है मैक्सिमम। तो मैक्सिमम आप चाहे ज्यादा भी डाल सकते हैं, मैं एक डालता हूँ या मैक्सिमम दो कर सकते हैं, मैं एक डालना क्योंकि कस्टमर है, एक कस्टमर है तो ये आपका एक ही आइटम तो उससे जरूरत होगा ना, उससे ज्यादा जरूरत होगा तो वहाँ पर क्वांटिटी सेलेक्ट कर सकते हैं या दोबारा ऑर्डर कर सकता है। दोस्तों मैं यहाँ पर एक डाल देता हूँ। उसके बाद लिखा है फुलफिलमेंट सेंटर, यहाँ पर लिख के आया है कि यहाँ पर आप खुद भी करेंगे तो यहाँ पर सेलर को ऐड करना होता है, यहाँ पर सैलरी अकाउंट ऐड करेंगे। उसके बाद आता है कि प्रोडक्शन वन, यहाँ पर लिख के आता है स्टॉक में कितना होगा कि यहाँ पर आप बैंक ऑपरेट करना है, यहाँ पर एक्सप्रेस कर रहना है, एक्सप्रेस करना है यहाँ पर करना आता है इस लड़ाई, यह अलाई आप कुछ भी रखते हैं कि आपका जो ऑर्डर आएगा, मतलब आप जैसे ऑर्डर आएंगे तो आप ऑर्डर कितने दिन में उसको डिलीवर कर सकते हैं, जैसे हम लोग 3 दिन में 4 दिन में 5 दिन में अगर कस्टमर ऑर्डर आएगा तो कितने दिन उसे आप डिलीवर करा सकते हैं, उसको कितने दिन में कोरियर करा सकते हैं। तो उस सैंपल के लिए यहाँ पर 2 दिन मैक्सिमम रखता हूँ, 2 दिन यहाँ पर 2 डेज में हम ऑर्डर कर देंगे, पहुँचा देंगे। और इसके बाद यहाँ पर आपका आता है स्टॉक कि आपका जो आइटम है आइटम का कितना स्टॉक होना चाहिए, कितना आपका ये आइटम है, क्योंकि अगर एग्जांपल के लिए आपका 100 स्टॉक है, 100 आप क्वांटिटी डालते हैं, 100 का स्टॉक है और आपका अगर 100 बिक जाता है तो वहां पर आपको ये दिखाएगा आउट ऑफ स्टॉक। तो एग्जांपल के आपको जितना भी आपके पास स्टॉक है उसके हिसाब से स्टॉक डाल देते हैं। यहाँ पर एग्जाम्पल मेरा 500 स्टॉक है, मैं 500 का डाल देता हूँ। यहाँ पर आपका लिख के आता है रीऑर्डर फ्लिपकार्ट, तो आपको फ्लिपकार्ट ही चुनना क्योंकि आप सेलर फ्लिपकार्ट के हैं तो फ्लिपकार्ट ही चुनना है। और यहाँ पर कस्टमर का लिख के आता है कि कस्टमर को आपको कितना प्राइस, मतलब कस्टमर के सामने कितना प्राइस होना चाहिए, मतलब जो उसके डिलीवरी चार्ज है वो कितना लगना चाहिए। तो लोकल का मतलब एग्जांपल के लिए आप कहीं भी रह रहे हैं तो वहीं का अगर कोई कस्टमर ऑर्डर करता है तो आपको कितना लगना चाहिए, वहीं का अगर ऑर्डर करता है तो वहाँ पर एग्जाम्पल के लिए जो भी रेंडली भी कोई लिख सकते हैं कि जितना आपका, मैं फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर रख देता हूँ समथिंग 30 रुपये कि लोकल का करे, अगर बाहर का करता है लोकल का नहीं कर बाहर का करता है तो आपको कितना होना चाहिए, क्योंकि आप जानते हो कि इसमें जो जो डिलीवरी चार्ज होगा 30, 40 या 50 रुपये पड़ता है। अगर आपका कोई ऐसा आइटम है ज़्यादा महंगा पड़ने वाला तो आप ज़्यादा भी रख सकते हो, उसे मैं यहाँ पर 40 रुपये रखता हूँ, कोई ज़्यादा खास नहीं रखूँगा। और नेशनल का मतलब आप कंट्री, अगर आप भारत देश में रह रहे हैं, भारत देश से बाहर अगर कोई दूसरे कंट्री में जा रहे हैं, कोई दूसरे देश में जा रहे हैं, उसका कितना MRP होना चाहिए, कितना मतलब कितना डिलीवरी चार्ज होना चाहिए। यहाँ पर दोस्तों ज़्यादा नहीं है, समझने क्या है कि इसमें सारी चीज़ पड़ती है, तो समझ 55 रुपये रहता है यहाँ पे।
और यहाँ पे डिटेल्स आ रही है कि आपका जो आइटम है उसका लंबाई चौड़ाई कितनी है। सारी दोस्तों हाइट कितनी है, उसकी लंबाई कितनी है, उसकी चौड़ाई कितनी है। यहाँ पर दोस्तों मैं मेरा जो आइटम है वो एग्जांपल के लिए 9x10 रख लेता हूँ 9, और जो लेंथ है लेंथ कितनी है और हाइट है 10, और बेंडिंग क्या है समथिंग 8। आप अपने हिसाब से रख सकते हैं जो भी आपका हो। उसका वेट रखना है हमारा 0.150 ग्राम, जो भी 0.100 आपको ये रखना है। और यहाँ पर आप यहाँ पर कोड आता है, यहाँ पर ये दोस्ती वाला टेक्स कर सकते हैं यहाँ से आने के बाद, और यहाँ पर जाने के लिए हम सिलेक्ट कर देंगे, सिलेक्ट कर देंगे ऑटोमेटिक फील हो जाएगा। यहाँ पर देखिए पैंट का ऑप्शन आता है, यहाँ पर आप कर सकते हैं, यहाँ पर जरूरी नहीं। और यहाँ पर जो आपके टिक मार्क जो आपको दिखा रहे हैं यहाँ पर, जो आपके लिए जो रेड वाले टिक मार्क लगे, देखिए दोस्तों इसमें आपको लगा है रेड मार्क, यहाँ पर लगा है आपका रेड मार्क यहाँ, तो आपको जो रेड वाले स्टार तो आप भरने ही भरने हैं, आप उनको स्किप नहीं कर सकते। तो यहाँ पे दोस्तों हम इसको स्किप नहीं करेंगे, जो चीज भरना है। और यहाँ पे देखें क्या भरना है, यहाँ पे दोस्तों जीएसटी नंबर भरना है कि जीएसटी आप कितने परसेंट देना चाहते हैं, 10%, 12%, 8%, क्योंकि यहाँ दोस्तों बुक में 0% जीएसटी पड़ती है, तो यहाँ पे 0% लिख देते हैं। और यहाँ पे डिटेल से देखते हैं, यहाँ पर आपका कंट्री वगैरह चूज करने को आता है, यहाँ पर आप जहाँ से हैं आप उस कंट्री का रख देते हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए मैं इंडिया से हूँ तो हम इंडिया का रखें, यहाँ पर इंडिया का रखेंगे। और यहाँ पर इंडिया रखने के बाद और मैन्युफैक्चर डिटेल्स, मतलब आपको जो मैन्युफैक्चर कर रहे हैं वो उसका डिटेल्स रखना चाहिए कि आप न्यूज प्रोवाइडर कहाँ कराएंगे, मतलब तो अगर आइटम पैकिंग के लिए करना है तो कहाँ से करवाएंगे, अगर आप कोरियर वाला आपके पास डिलीवर कस्टमर को डिलीवर करने के लिए अगर आपको आइटम लेने आए तो कहाँ पर लेगा, उसका एड्रेस डालना है। एग्जाम्पल के मैं जो भी टेंडल भी डाल देता हूँ एग्जाम्पल के लिए, और यहाँ पे डालना है पैकर का नाम, मतलब जो आपको पैक करके देगा उसका क्या नाम होगा, क्योंकि उससे आपसे नहीं आइटम लेने आएगा ना, तो आप जहाँ पर आप डिलीवरी करेंगे, जहाँ पर आप पैकिंग वगैरह कराएंगे अपने आइटम की, तो उसका क्या नाम है, उसका आपको जो भी आपका नाम है आप खुद ही करना चाहते हैं तो खुद का ही नाम डाल देते हैं। इसे मैं डाल देता हूँ यहाँ पर आरिफ, ये चीज़ें ये सारी चीज़ हो गई हैं। और यहाँ पर आने के बाद दोस्तों सबसे ऊपर आप देखेंगे सेव का ऑप्शन लिखा है, ये सारी चीज फिल हो गई, बस चेक कर सकते हैं आराम से। यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ से, यहाँ देखिए दोस्तों सेव का ऑप्शन लिखा है सेव का, तो सेव पर क्लिक करेंगे दोस्तों ये ऑटोमेटिक सेव हो जाएगा। ये देखिए दोस्तों ये सेव हो चुका है, ये थोड़ा सा नीचे दिखा देता हूँ, ये सेव हो चुका है। उसके बाद आपको सेकेंड वाला आता है, सेकेंड वाला आपको यहाँ पर दोस्तों मैं आपको जल्दी बताऊँ, वीडियो बहुत काफी बड़ा हो रहा है दोस्तों, यहाँ पर आपको मैं फटाफट बता देता हूँ। यहाँ पर आपको दोस्तों ऐसे नंबर डालना है, इसे आपका बुक है तो दोस्तों थोड़ा सा याद आ देता है, यहाँ पर आपको ऐसे नंबर डालना है बुक वगैरह है। देखिए दोस्तों यहाँ पर ICBN नंबर डालना है, यहाँ पर टाइटल डालना है कि बुक में जो सर्च में आया वो क्या नहीं, यहाँ पर अगर आप हिमालय में किताब डालना हो तो यहाँ पर ऑथर वगैरह की जो लेखक उसका नाम, प्रोडक्शन लैंग्वेज कौन सी होगी वो डालना है, बुक डिग्री क्या है वो सारी चीज डालना है। मैं फटाफट डाल देता हूँ दोस्तों वीडियो थोड़ा सा स्किप करके,